नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार सनी देओल सर की ब्लैंक मूवी के 8 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे सुपरस्टार महेश बाबू सर की हालिया रिलीज फिल्म महर्षि के भी 2 दिन के इंडियन और ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर एंड गेम के तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आज ही रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का ओवरसीज में कलेक्शन क्या रहा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां आपको मिलेगी बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर एंड गेम के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 16 दिन, और दोस्तों फिल्म ने 16 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको साथ ही साथ बता दें कि ये फिल्म इस वक्त इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। पहले नंबर पर है बाहुबली 2, वही दूसरे नंबर पर है रोबोट 2.0, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आ चुकी है ये फिल्म एवेंजर एंड गेम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एवेंजर एंड गेम ने सलमान खान की सुल्तान और आमिर खान की दंगल फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी पीछे छोड़ दिया, और ये फिल्म इंडियन कलेक्शन के मामले में तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़े इत्तेफाक की बात है कि जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री मानी जाती है तो वो है बॉलीवुड, लेकिन अगर टॉप 3 फिल्मों को देखे तो टॉप 3 में एक भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर है बाहुबली 2 जो कि एक तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड की, वही दूसरे नंबर पर है 2.0 जो कि एक कॉलीवुड यानी तमिल इंडस्ट्री की फिल्म है, वही दोस्तों तीसरे नंबर पर है एवेंजर एंड गेम जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। तो अगर दोस्तों बात करें हम एवेंजर एंड गेम के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इंडियन मार्केट में 53 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार किया था। वही इस फिल्म ने अपने वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में 160 करोड़ की कमाई की थी हिंदुस्तान में। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में लगभग 260 करोड़ रुपए का कारोबार इंडियन मार्केट से कर लिया था। वही अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों एवेंजर एंड गेम का इंडियन मार्केट में अभी तक 338 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन हो चुका है। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो एवेंजर एंड गेम का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रोस कलेक्शन 406 करोड़ रुपए हो चुका है। वही अगर बात करें एवेंजर एंड गेम के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 3.1 बिलियन डॉलर का कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं हॉलीवुड के लेवल पे भी, और ये फिल्म इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों महर्षि फिल्म को डायरेक्ट किया है वामसी सर ने। वही दोस्तों इस फिल्म में हमें नजर आ रहे हैं सुपरस्टार महेश बाबू सर, और उनके साथ में है पूजा हेगड़े और साथ ही में है अल्लारी नरेश। दोस्तों फिल्म फार्मर्स की लाइफ में बताई गई, और फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो गजब के, और फिल्म पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को साउथ एरियाज में काफी बढ़िया ओपनिंग मिली और फिल्म ने अपने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। लेकिन दोस्तों नॉर्थ साइड में भी ये फिल्म रिलीज हुई और नॉर्थ में भी ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दो ये फिल्म नॉर्थ में यानी कि जितनी हिंदी ऑडियंस है इनके लिए भी फिल्म रिलीज कर दी गई है थिएटर में, लेकिन कुछ सेलेक्टेड थिएटर में इस फिल्म के 1 या 2 शो चलाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि महर्षि फिल्म हिंदी डब में रिलीज नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को नॉर्थ साइड में भी तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया है, लेकिन फिल्म के साथ में आपको इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और आप नॉर्थ में रहते हैं तो आप इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल के साथ जरूर देखिए, फिल्म काफ़ी बढ़िया है। मैं कल इस फिल्म का रिव्यू लेके आया था पब्लिक, और
पब्लिक इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। अगर आपको इस फिल्म का पब्लिक रिव्यू देखना है तो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर ले फिल्म के बारे में, तो फिल्म का बजट है लगभग 90 करोड़ रुपये। वही दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स बिके हैं 100 करोड़ रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राइट बिके हैं 76 करोड़ रुपये में। वही दोस्तों ओवरसीज के राइट बिके हैं 14 करोड़ रुपये में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने रिलीज होने के पहले ही 100 करोड़ में अपने राइट्स बेच दिए थे। वही अगर बात करें डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की, तो दोस्तों फिल्म के तेलुगु सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट और साथ में हिंदी डबिंग राइट्स और म्यूजिक डबिंग राइट्स बेचकर फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई वहां से भी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के थिएट्रिकल राइट 100 करोड़ और डिजिटल और सैटेलाइट और म्यूजिक राइट मिला के 50 करोड़, वो यानी फिल्म ने 150 करोड़ पहले ही अंदर कर लिए थे। अब दोस्तों बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो फिल्म को इंडिया और ओवरसीज मिला के लगभग 2600 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। और बात करें फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन मार्केट पे 30 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, वही ग्रोस कलेक्शन किया था 35 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अपने पहले दिन 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था। इसी के साथ दोस्तों मेहर से फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट पे 55 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया था। अब बात करें दूसरे दिन की, तो दोस्तों फिल्म को दूसरे दिन भी काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। बात करें सुबह वाले शोज की, तो सुबह वाले शोज में इस फिल्म को लगभग 55 से 60% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। वही दोपहर वाले शोज में भी बुकिंग काफी बढ़िया और नाइट वाले शो भी इस फिल्म के फास्ट फिलिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महर्षि फिल्म इंडियन मार्केट में अपने दूसरे दिन लगभग 26 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर रही है। वही ओवरसीज मार्केट में फिल्म अपने दूसरे दिन कमा रही है 14 करोड़। इसी के साथ दोस्तों महर्षि फिल्म अपने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में लगभग 40 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों पहले दिन के जहां 55 करोड़ रुपए, वही दूसरे दिन के 40 करोड़ रुपए। इसी के साथ महर्षि फिल्म का दो दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 95 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए कम से कम 120 करोड़ की कमाई करनी होगी। अगर फिल्म को सुपर हिट होना है तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ कमाना होंगे। वही दोस्तों अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होना है तो इस फिल्म को 200 करोड़ की कमाई करनी होगी। दोस्तों वही बात करें अगर ब्लैंक फिल्म के बारे में, तो ब्लैंक फिल्म को डायरेक्ट किया है बेजात खंबाटा ने। वही इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्शन हीरो सनी देओल सर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार के साले साहब यानी करण कपाड़िया ने भी अपना डेब्यू किया है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में हमें सीता दत्ता और करणवीर शर्मा भी एक खास रोल में नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो इस फिल्म का है बजट 20 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट बेचकर 26 करोड़ रुपए का रिकवर पहले ही कर लिया था। जी हां दोस्तों, 20 करोड़ के बजट की फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और बाकी के राइट्स बेच के 26 करोड़ रुपए अंदर कर लिए थे। अब बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म काफी अच्छी बनी थी और फिल्म लोगों को पसंद आई, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी काफी शानदार किया है। लेकिन दोस्तों फिल्म कहीं ना कहीं एवेंजर एंड गेम की वजह से बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा स्क्रीन नहीं हासिल कर पाई और इसी की वजह से फिल्म के जो कलेक्शन आना था उतने नहीं आ पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म 1000 स्क्रीन से भी कम में रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा शोक लगेगा क्योंकि सनी देओल इतने बड़े सुपरस्टार और उनकी फिल्म 1000 स्क्रीन के आसपास ही रिलीज हो पाई, जबकि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3000 या 3500 स्क्रीन में रिलीज होती तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े रिकॉर्ड सेट कर सकती थी। लेकिन फिर भी दोस्तों फिल्म ने लिमिटेड स्क्रीन पे जो कारोबार किया है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3,50,00,000 रुपये से ओपनिंग ली थी इंडिया में। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में लगभग 17,50,00,000 रुपये का ग्रोस कलेक्शन किया था। वही बात करें फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों 8वें दिन फिल्म के कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज से बॉलीवुड में एक नई फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो स्क्रीन है वो अब और भी कम हो चुकी है और फिल्म के पास अब सिर्फ 200 से 250 स्क्रीन बची है। और दोस्तों ये फिल्म 200 से 250 स्क्रीन पे अपने 8वें दिन जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगभग 50,00,000 रुपये का कारोबार कर रही है।
तो दोस्तों शुरुआती 7 दिनों के जहां इस फिल्म के लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपए हुए थे, वहीं 8वें दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपए कमा रही है। इसके साथ दोस्तों ब्लैंक फिल्म का 8 दिन का टोटल ग्रोस कलेक्शन इंडिया में हो चुका है 18 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 26 करोड़ 50 लाख रुपए। वैसे दोस्तों अगर आपने ब्लैंक फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवं बजट के बारे में। तो दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 2012 की यह फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल है, जहां पहले पार्ट में हमें वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट देखने को मिले थे, वही दोस्तों दूसरे पार्ट में हमें नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार टाइगर श्रॉफ। और उन्हीं के साथ दोस्तों इस फिल्म में दो नई लेडीज ने अपना डेब्यू किया है। पहली तो है चंकी पांडे की सुपुत्री अनन्या पांडे, वही दोस्तों दूसरी है तारा सुतारिया। अगर दोस्तों बात करें हम इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुनीत मल्होत्रा ने, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर ने। दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का एक्चुअल बजट है 60 करोड़ रुपये, वही इस फिल्म के मार्केटिंग कॉस्ट यानी प्रमोशन में खर्चा आया है 15 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो टोटल बजट हो जाता है वो हो चुका है 75 करोड़ रुपये। वही अगर दोस्तों बात करें फिल्म के स्क्रीन के बारे में, तो फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया है लगभग 3500 स्क्रीन में और ओवरसीज में इस फिल्म को मिली है 400 स्क्रीन, यानी कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में लगभग 3900 स्क्रीन में रिलीज हुई है। अब दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म का जो ट्रेलर था उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बने थे, लेकिन दोस्तों फिल्म का जो म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो चुका था। इसी की वजह से दोस्तों इस फिल्म का जो बज़ है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया था और अच्छे बज़ की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है वो कमाल की है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें फिल्म को सुबह वाले शोज में लगभग 40-45% तक की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, वही दोस्तों इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट वाले शोज में भी इस फिल्म की जो बुकिंग है वो काफ़ी शानदार हुई है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये का कारोबार कर रही है। वही अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अपने पहले दिन लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 23 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म का बजट जहां लगभग 75 करोड़ रुपए है, तो वही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए कम से कम 90 करोड़ का कारोबार इंडिया में करना होगा। वही अगर फिल्म को सुपर हिट होना है, तो फिल्म को सुपर हिट होने के लिए 120 करोड़ की कमाई करनी होगी, और अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती है तो ये फिल्म हो जाएगी ब्लॉकबस्टर। अब देखते हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, सुपर हिट होती है या ब्लॉकबस्टर होती है। वैसे दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, महर्षि, ब्लैंक और एवेंजर एंड गेम में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।